मुझे टू बी ऑनेस्ट इतना ज्यादा अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगता है फोन के अलार्म से तो नहीं बट इसके अलार्म से मैं डेफिनेटली उठने वाली हूँ। मैंने अपने फ्रिज में भी इसको लगाया था। My channel. My name is Shraddha, and first of all, thank you so much for being here. Thank you for being part of the family, and I feel nothing but grateful. So I just wanted to thank each one of you over here, and I am back again with a very new video, which is going to be random Meesho haul under 250 rupees. Yes, you heard it right. It's just under 252 rupees. So मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कवर की हैं रिसेंटली। मैं जस्ट मीशो पे ऐसे स्क्रोल कर रही थी एंड देन मुझे लगा ओके आई शुड बाय दिस, ओके आई शुड बाय दिस। तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया बिकॉज प्रोडक्ट्स आने में थोड़ा सा लेट हो गया था, बट नाउ दैट आई हैव गॉट इट आई एम कमिंग अप विद अ वेरी ब्यूटिफुल वीडियो। इसमें कोई एक कैटेगरी नहीं है स्पेसिफिकली, इट इज़ गोइंग टू कवर होम डेकोर, क्योंकि आई एम सीइंग दैट यू गाइज आर लविंग दैट ऑन माई चैनल। सो इट्स गोइंग टू बी होम डेकोर, किचन फाइंड्स, फैशन फाइंड्स एंड मच मोर। सो येस, ग्रैब अ कप ऑफ कॉफी। Also, just a disclaimer, मैं अभी next video जो मैं plan कर रही हूँ it is going to be kitchen finds specifically, and to be honest मुझे इतने ज़्यादा अच्छे products दिख गए हैं, मैंने उनको order कर दिया है। कुछ products मुझे receive हो गए हैं but most of them are still on the way, तो भी वो आए नहीं हैं, कुछ shipped हुए हैं। So उसमें थोड़ा सा time लगेगा but I think by next week वो वीडियो आ जाएगा। सो स्टे ट्यून, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आई एम रियली एक्साइटेड। बहुत ही ज़्यादा बजट ओरिएंटेड होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। सो येस, आई जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू गाइज नो, एंड नाउ दैट आई हैव लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो येस, विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, सो बिकॉज आप लोगों को इस चैनल पे होम डेकोर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं उससे स्टार्ट करूंगी। सो फर्स्ट अप इज दिस ग्लास वास, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी एंड बहुत ही क्लासी वाइब दे रहा है। मुझे इसका मटेरियल बहुत अच्छा लगा एंड प्राइस पॉइंट से आई पेड जस्ट 173 रुपीज फॉर दिस। मैं एक साइड में क्लिप अटैच कर दूंगी जिसमें आप देखिएगा मैंने इसमें व्हाइट ट्यूलिप्स लगाए थे और वो हद से ज़्यादा सुंदर लग रहा था। सो यू कैन डेफिनेटली गिव अ ट्राई, एंड ये आपके ड्राॅइंग रूम में, आपके बेडरूम में, कहीं पर भी बहुत ही सिंपल सोबर सा बट इट इज़ गोइंग टू एलिवेट द लुक ऑफ द रूम। सो येस, दिस इज द फर्स्ट आइटम। मूविंग ऑन सेकेंड वन, सो सेकेंड वन इज गोइंग टू बी, वेल मुझे टू बी ऑनेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा लगा। सो ये बहुत ही प्यारे शेप में है, विच इज़ द मून शेप, एंड इसका मटेरियल, अगर ग्लास वास को मैं 5 में 4 दूंगी, आई विल गिव दिस 6 out of 5, विच आई नो इज अबव द रिक्वायर्ड स्कोर बिकॉज ये इतना ज़्यादा अच्छा मटेरियल है। एंड लुक एट द फिनिशिंग वाइज, बहुत ही प्यारी फिनिशिंग है। ऐसा नहीं कहीं पेंट निकल रहा है या फिर कुछ मटीरियल में खराबी है। यू कैन लिसन टू द वॉइस ऑफ द मटीरियल। सो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगा, एंड ट्रस्ट मी इसका प्राइस आपको पता है, आई जस्ट पेड 132 रुपीज फॉर दिस। तो मैं इनिशियली वैसे डाइसी थी बट देन जब मैंने इसको लाया और मैंने इसको अपने रूम में सेट किया, इतना ज़्यादा प्रिटी लग रहा था ना, आई जस्ट कांट टेल यू गाइज। सो आप ज़रूर इसको एक बार देखेगा एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स आपको ये कैसा लग रहा है। मूविंग ऑन टू द, आई हैव गॉट यू समथिंग विच इज दीज फ्रिज मैगनेट्स। आप एक बार इनकी क्वालिटी देखो, मुझे इतना ज़्यादा यूनिक लगी इनके डिज़ाइंस, एंड मोर ओवर आप एक बार इनका साइज़ देखो, इट्स नॉट सम स्मॉल फ्रिज मैगनेट, इसकी अच्छी खासी साइज़ है। एंड जो कोटेशंस हैं इसमें, सब में डिफरेंट कोटेशंस हैं, एंड मैंने अपने फ्रिज में भी इसको लगाया था। सो ये काफ़ी एलिवेट कर रहा था फ्रिज का लुक, एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैं इसका प्राइस बताऊँगी ना, यू गाइज विल बी शॉक्ड। I got it just for 108 rupees, and that too these 4 different pretty designs, और वो भी इतने बजट में। बेस्ट पार्ट रैंडम फाइंड्स का यही लगता है कि जब आप इंटेंशनली कुछ ढूंढ नहीं रहे होते और आपको बहुत अच्छा सा कुछ मिल जाता है। तो मुझे ये बहुत ही प्रिटी से लगे, मुझे बहुत ही सुंदर लगे ये चारों फ्रिज मैगनेट्स, एंड सबसे अच्छी बात है इनका प्राइस। तो मैं डेफिनेटली इसको रख रही हूँ एंड आई विल गिव 5 out of 5 फॉर दिस, बिकॉज मुझे इसमें कुछ डिफेक्ट ही नहीं लगा, एंड इसमें अच्छा खासा मैग्नेट का भी स्पेस है, तो आप इसको अपने फ्रिज में लगा के सिंपली फ्रिज को बहुत ज़्यादा प्रिटी बना सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इज वेरी प्रिटी लैम्प्स।
ये इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, मतलब मुझे फ़ोटो में तो दिखे थे प्रिटी थे, बट मुझे टू बी ऑनेस्ट इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि सामने से इतने अच्छे लगेंगे। इसमें अंदर ये ग्लास लगा हुआ है और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आप लाइट लगा सकते हो। ये आप दिवाली में भी यूज़ कर सकते हो। इन जनरल मैं अपने घर में इसको ड्राॅइंग रूम में रखना पसंद करूँगी, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल, सोबर एंड ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो प्राइस पॉइंट इस तो सेकेंड थिंग, ये मैंने पैक ऑफ टू लिया है। सबसे अच्छी बात है इसमें डिफरेंट कलर्स भी अवेलेबल हैं, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट फॉर योर सेल्फ। मुझे ये दोनों कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे लगे, जो बहुत ही ज़्यादा सोबर थे और बहुत ज़्यादा पिंटरेस्टी वाइब दे रहे थे। तो आई गॉट दीज टू लैम्प्स फॉर मी एंड प्राइस पॉइंट से आई पेड 206 रुपीज फॉर दिस। सो क्वालिटी वाइज मुझे ये अच्छे लगे, मतलब यहाँ पे ऑल्दो थोड़ा सा डिफेक्ट मुझे अब दिख रहा है, अदरवाइज तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने दोनों में चेक किया, क्वालिटी इज ऑल्सो नाइस। सो ये डेकोरेटिव पीस के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं एंड आई विल गिव इट 3.5 out of 5 फॉर दिस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी दिस ब्यूटिफुल टेबल क्लॉथ। आई मीन जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, छोटू सी है ये बट ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत है एंड इसमें ना आपको अलार्म बजेगा। जैसे आपको याद है छोटे में हम लोग होते थे तो वी यूज़ टू हेट कि ऐसे सुबह 5-6 बजे स्कूल के लिए अलार्म बजता था, बट नाउ आई काइंड ऑफ मिस माई चाइल्डहुड। सो अब बचपना तो आ नहीं सकता, तो एटलीस्ट उससे रिलेटेड चीज़ें ही आ जाएँ। सो येस एंड इसमें लाइट भी है एंड ये है इसका अलार्म। आई विल फोटो वीडियो वीडियो जहाँ पे आप चेक कर सकते हो। एंड लाइट इसकी डे में तो इतनी ज़्यादा नहीं तेज़ दिखेगी, बट रात में ही काफ़ी अच्छी लाइट जलती है। सो मैंने इसको डेकोरेटिव पीस के हिसाब से लिया है, बट आई विल डेफिनेटली यूज़ इट मोर देन दैट। मुझे ऐसा लगता है फ़ोन के अलार्म से तो नहीं, बट इसके अलार्म से मैं डेफिनेटली उठने वाली हूँ। प्राइस पॉइंट से आई पे 261 रुपीज़ फॉर दिस। सो प्राइस मुझे सही लगा, मतलब ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगी ना बहुत ज़्यादा सस्ती लगी। सो येस इट्स अ ब्यूटिफुल पीस जो आप डेकोरेशन के पर्पज से भी यूज़ कर सकते हैं एंड इट इज़ अ यूजफुल फाइंड एज वेल। सो आउट ऑफ 5 आई विल गिव इट 4 out of 5। सो मूविंग ऑन टू सम फैशन, इस हॉल में कुछ पिंटरेस्टी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सो इस वजह से आई गॉट माई हैंड्स ऑन दीज क्लचेस, जो कि बहुत ही प्रिटी एंड बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मैंने इनको अपने बालों पे भी लगाया था एंड आई रियली गॉट कॉम्प्लीमेंट्स। मुझे इसके कलर्स और इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। आई मीन एक जगह बीच में डार्क एंड देन ये लाइट होता चला जाता है, बट यहाँ पे मेरे साथ ये हुआ, एक्चुअली फोटो में ये 5 दिखा रहे थे बट डिलीवर मुझे सिर्फ ये 4 हुए। सो दैट इज समथिंग दैट आई लाइक टू चेक विद मीशो। एंड मुझे ये काफ़ी खूबसूरत लगे, काफ़ी सिंपल सोबर एंड इनका साइज़ भी अच्छा है। इट्स नॉट कि ये कोई मिनी क्लचेस हैं, अच्छा खासा साइज़ है एंड अगर आपके बाल लंबे हैं या मिड साइज़ भी हैं यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। मेरे तो बाल इतने लंबे नहीं है बट स्टिल मैं इसको इसे हाफ में करके इसको यूज़ करती हूँ एंड ट्रस्ट मी आई हैव रियली गॉट कॉम्प्लीमेंट्स ऑन द सेम। प्राइस पॉइंट से आई गॉट इट फॉर 161 रुपीज़। सो मुझे अच्छे लगे, ये अगर पैक ऑफ 5 होता तो वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता, बट ये अभी 4 ही आए हुए हैं तो दैट आई हैव टू चेक। एंड इफ आई गिव इट अ स्टार आई विल गिव इट 4 out of 5। हैड इट बीन ऑल 5 प्रोडक्ट्स शायद मैं पूरे मार्क्स दे देती, बट गिवन द चॉइस कि इसमें ये 4 हैं आई विल डेफिनेटली गिव इट 4 out of 5। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट है ये काफ़ी खूबसूरत से बड़े बड़े क्लचेस, बिग क्लचेस। आप इनका एक बार साइज़ देखिए एंड सबसे अच्छी बात है इनकी ग्रिप बहुत अच्छी है। मैंने अपने बालों पे ये लगाया था, काफ़ी अच्छी ग्रिप है इनकी एंड ये सारे मैट फिनिश में हैं। इफ़ यू विल सी इट, पास से मैं दिखाती हूँ, ये सारे मैट फिनिश पे हैं। एंड बिफोर बाइंग इट पहले मैंने सोचा आई डोंट नो इफ इट इज़ वर्थ इट और नॉट, बट मैंने आई थॉट कि अगर हम शॉप पे भी जाते हैं तो हमें ये क्लचर, एक क्लचर एटलीस्ट 30-40 का तो मिलता है, बट यहाँ पे आई गॉट ऑल दीज 4 क्लचर्स फॉर 119 रुपीज़। सो मेरे हिसाब से ये 5 on 5 है एंड सबसे अच्छी बात है इसकी क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो आई लव दिस एंड आउट ऑफ 5 आई विल गिव इट 5 on 5, बिकॉज मुझे पता है बींग अ गर्ल जितने भी क्लच और जितने भी बैंड्स हो जाए हमारे पास कम पड़ी जाते हैं। सो येस मैं इनको अपने वार्डरोब में रखने वाली हूँ एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके सो इफ़ यू वॉच कोरियन ड्रामा या आपको कोरियन फैशन पसंद है तो आपको ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगेगा, वो है ये बो का सेट। मुझे टू बी ऑनेस्ट एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने बड़े साइज के मुझे ये बोज मिलेंगे, मुझे लग रहा था छोटे छोटे बोज होंगे, बट ये काफ़ी अच्छे साइज में हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल से भी हैं, बहुत सिंपल हैं, बट ये आपका डेफिनेटली लुक एलिवेट कर देंगे। ये देखिए आप इनमें पीछे ऐसे ये लगाने के लिए है एंड साइज इज अप्रॉक्स माई हैंड।
सो ये काफ़ी खूबसूरत से हैं एंड मुझे इसका कलर पैटर्न बहुत अच्छा लगा. मोस्टली लाइट कलर्स के हैं बट दे ऑल्सो हैव गिवन दिस कलर. इसमें और कलर्स भी अवेलेबल हैं बट आई वेंट विद दीज कलर्स. और क्वालिटी वाइज मुझे 10/10 लगा. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी कि इसमें कुछ फटा है या इसका ये चीज़ डिफेक्टिव है. मैं आपको पीछे से दिखा देती हूँ. सब में काफ़ी अच्छी ग्रिप दे रखी है एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू यूज़ इट. प्राइस पॉइंट से जस्ट इमेजिन आई पेड 100 रुपीज़ फॉर दिस. 100 रुपीज़ में मुझे 100 रुपीज़ में 5 bows मिले हैं जो कि आई थिंक अगर हम सरोजनी जाते हैं या कहीं पे भी शॉप पे भी लेते हैं तो आई थिंक 30-40 का हमें एक मिलता है. सो मुझे लग रहा है ऐसा कि मुझे प्राइस पॉइंट से काफ़ी अच्छी डील मिल गई. एंड आउट ऑफ 5 आई विल गिव इट 5 बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं लगी एंड आई कैन यूज़ इट इन सो मेनी वेज. इफ़ इन केस यू वॉन्ट टू ट्राई यू कैन डेफिनेटली हैव इट एंड यू आर गोइंग टू लव इट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम है एक ये बहुत ही क्यूट टोट बैग. बहुत ही क्यूट सा टोट बैग. मुझे ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगा और सबसे अच्छा लगे मुझे ये 2 avocados. मैंने अभी रिसेंटली मूवी गई थी रॉकस्टार. सो मैंने सोचा था इसको मैं कैरी करूँगी एंड इट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल. बहुत ही सिंपल इफ़ यू आर अ कॉलेज गोइंग पर्सन या आप ऑफिस जाते हो या आपको कुछ सामान लेने जाना है या एनी थिंग इफ़ यू आर इन एन आउटिंग आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो. आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी भी है एंड इसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल थे बट आई गॉट दिस वन फॉर माई सेल्फ. एंड इसका साइज भी इफ़ यू विल सी अच्छा खासा साइज है. इट्स नॉट कि कोई बहुत छोटा सा बैग है. आपका अच्छा खासा सामान आ सकता है. सो येस आई रियली लाइक द बैग एंड प्राइस पॉइंट से आई पेड 172 rupees फॉर दिस. सो आई थिंक इट्स अ गुड डील. Out of 5, I will give it 4. And yes, moving on to the next item. Let's move on to some kitchen finds. So first up is this beautiful sa, काफी simple, sober, but काफी ज़्यादा खूबसूरत fridge cover. So मैंने भी recently fridge खरीदी है, which is of silver color only, light silver color की है. तो मुझे काफी ज़्यादा खूबसूरत लगा. And good thing is कि इसमें compartments दे रखे हैं. जैसे हमें कुछ भी छोटा मोटा सामान रखना होता है. टू बी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक जब फ्रिज ना ऊपर से बहुत ज़्यादा भर जाती है. यूजुअली हम लोग रख देते हैं सामान बट आई जस्ट थॉट दिस इज अनदर वे ऑफ डेकोरेटिंग माई फ्रिज. तो फ्रिज मैगनेट्स भी मैंने इसीलिए मंगा लिए थे एंड सो इज फॉर दिस कवर. सो इसका साइज मैं आपको दिखा देती हूँ. इट्स अ बिग साइज. इसका काफ़ी बड़ा साइज है एंड प्राइस पॉइंट से आई पेड जस्ट 90 rupees. आउट ऑफ 5 आई विल गिव इट 5 बिकॉज जबरदस्ती मार्क्स काटना इज नॉट माई थिंग. सो येस मूविंग ऑन टू द लास्ट आइटम. ऑन टू द लास्ट आइटम ऑफ दिस वीडियो. एंड आपको पता है मैं हमेशा बेस्ट सामान लास्ट के लिए रखती हूँ. सो दिस इज गोइंग टू बी दिस सेट. ओके आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन. ये बेसिकली ऑयल डिस्पेंसर बॉटल्स हैं विद स्पैचुला एंड 4 jars. सो इसके साथ ये 2 bottles हैं जो कि काफ़ी अच्छे साइज में है. मुझे लगता है इसमें काफ़ी हद तक स्टोर हो जाएगा. ये इसमें ऐसे कैप टाइप का था. ये आप कैप हटाओ. अगर आपको ऐसे करना है यू कैन डेफिनेटली पुट दिस एंड आप इसमें ऑयल वगैरह भर सकते हो. सी ताकि ऑयल इधर उधर स्पिल भी नहीं करेगा. सो दिस इज़ फॉर दैट. एंड वंस यू आर डन विद इट आप इसको ऐसे करके फिक्स कर दो. इसमें ऐसे ये लॉक भी लगा हुआ है. सो यू जस्ट हैव टू क्लिक. ये ऐसे बंद हो जाता है एंड यू जस्ट हैव टू डू दिस एंड इसमें आप फिर ऑयल को यूज़ कर सकते हैं. तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट लगा अपने किचन के लिए. एंड इसके साथ मुझे ऐसे स्पाइस रखने के लिए या कुछ भी रखने के लिए बॉटल्स, ये भी कांच की बॉटल्स हैं. एंड ये इसमें 2 तरह के मोड्स हैं. वन इज दिस एंड द अदर वन इज दिस. सो इसमें कुछ भी हमें रखना होता है, स्पाइसेस रखने हैं या फिर सॉल्ट रखना है, कुछ भी रखने के लिए काफ़ी अच्छा है. तो ये सेट ऑफ 4 आई हुई हैं एंड साथ में ये 2 spatulas भी हैं. इफ़ इन केस यू वॉन्ट टू पुट ऑयल इन योर पैन या कुछ भी तो आप उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं. एक्चुअली उसी के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो येस ये पूरा मुझे इससे 252 rupees में पड़ा है. दैट्स इट. सो प्राइस पॉइंट से इट वॉज अ बैंग ऑन डील. सबसे अच्छी बात यह है कि आई वॉज इवन लुक फॉर इट बट ये मुझे मिल गया. बैक ऑफ द माइंड में मुझे था कि मुझे अपनी बॉटल्स चेंज करनी है बिकॉज प्लास्टिक बॉटल में ऑयल स्टोर करना मुझे समझ में नहीं आता है. सो गिवन द फैक्ट कि इसमें ये 4 bottles, 2 बड़ी बड़ी ये बॉटल, स्पैचुला, फिल्टर सब कुछ मिला था, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी डील लगी. एंड द क्वालिटी इज़ 10/5. कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारी अच्छे से वर्क करती हैं. ये आप ऐसे ढक्कन खोलो एंड यू आर गुड टू गो. सो येस यू शुड डेफिनेटली हैव दिस.
Alright, so with this we are done with this video. Please let me know आपको कौन सा product सबसे अच्छा लगा and I will be putting description में सारे links. But this time what I'll do is कि मैं एक major link mention कर दूंगी. जैसे आप उस link को click करोगे आपको इस haul में जितने भी products हैं वो सारे एक साथ दिख जाएंगे. So just you have to click on that picture जो भी आपको product चाहिए और वो आपको directly Meesho के application पर ले जाएगा. So if you like any product you can definitely buy it for yourself. Also प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो. आई विल पुट माई डिटेल्स ओवर हियर समवेयर. सो मैं उस पर काफ़ी सारे वीडियोज़ लाती रहती हूँ. सो बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो मैं यूट्यूब पर नहीं पोस्ट करती हूँ, वो स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम पर ही होते हैं. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक माई इंस्टाग्राम. अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है जस्ट कॉमेंट लिंक और आपको लिंक डायरेक्टली आपके डी एम में मिल जाएगा. सो येस, दैट बींग सेड, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाहर बहुत गर्मी हो रही है, कीप हाइड्रेटिंग योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद द किचन वाला वीडियो. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, प्लीज़ कॉमेंट डाउन एंड आई विल डेफिनेटली सी इट एंड रिप्लाई टू यू. दैट बींग सेड, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक. Bye.